लोग मुझे समझते हैं कि शायद मैं कहीं गांव देहात का आदमी हूँ, शहरी हूँ, लेकिन मेरे शौक जानवर पालने के हैं। और मैं आपको भी मशवरा देता हूँ, आप अगरचे कितने ही एजुकेट, मेरे सब खानदान वाले पढ़े लिखे हैं, जब मैं बकरियां वगैरह चराता हूँ लोग समझते हैं पता नहीं ये लोग कहाँ से आए हैं। ये लोग मेरे जो कज़न हैं डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सारे एजुकेटेड फैमिली है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़े लिखे जिसे कहते हैं, आर्मी में ऑफिसर्स हैं, कमीशन ऑफिसर हैं, अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। तो बकरियों का मतलब ये नहीं होता कि आप क्या हैं, कोई फारिग लोग हैं जिनका दुनिया में कोई काम ही नहीं है। जानवर पालना, ये इसमें आपको फितरत का हुसन नज़र आता है, इसके बड़े फायदे हैं। मैं अभी जब थाईलैंड गया हूँ, ये बयान न रह जाए मुर्गियों के अंडे वाला, इससे जो सबक मिलता है ना वो अभी मैंने पूरा मुकम्मल हुआ नहीं है। मैं जब थाईलैंड गया ना, अभी मैंने लाइव कवरेज की वहाँ पर, मकसद यही था कि वहाँ के लोगों को हालात दिखाएं, तो मुझे बड़ा तजर्बा हुआ। मैंने कहा यार ये फेसबुक पर लाइव ट्रांसमिशन चला के बहुत कुछ दुनिया को सिखाया जा सकता है जो बयानात में नहीं सिखा सकते आप। तो मैंने बकरियां पाली हुई हैं, तो मेरा इरादा हुआ कि यार मैं एक दिन सुबह जो फजर के बाद अपनी बकरियों को खोल के चारा खिलाता हूं, उनका दूध निकाल के पीता हूं, घर में भी बेचता हूं, तो इसकी भी मैं किसी दिन क्या चलाऊं, लाइव चलाऊं कि देखो ये कैसे मजे की चीज़ है यार, कैसे पाली जाती है, कैसे पिंजरा बनाया जाता है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ताकि लोगों को क्या हो, हमारे एक दोस्त हैं ठीक ठाक पैसे वाले आदमी हैं, 20-30 तो उनके अकाउंट होंगे मेरा ख्याल है, लेकिन घर में क्या पाली हुई है, भैंस। घर का मतलब ये नहीं कि ड्राइंग रूम में ला के बांध लें आप उसको, या घर के सहन में बदबू आए, थोड़ी सी एक अलग से छोटी सी जगह उसके लिए बना दें। तो वो खुद दूध निकालते हैं सुबह, और सबसे पहला गिलास खुद ही पीते हैं बगैर इंजेक्शन के दूध। आजकल कितना मसला है ये जो हम दूध पी रहे हैं, इंजेक्शन वाला दूध है, इसकी वजह से खवातीन की प्रेगनेंसियां ज़ाया होती हैं। ये दूध, ये जब इंजेक्शन लगता है ना भैंस के, तो उसके असाब हो जाते हैं ढीले। भैंस पर बड़ी होशियार, डेढ़ होशियार चीज है। मैंने उनसे पूछा यार ये इंजेक्शन लगाते क्यों, उन्होंने कहा भैंस का जब तक बच्चा नहीं छोड़ो ना थन पे, वो कमबख्त दूध उतारती नहीं है, बात आ रही है समझ में, वो सारा दूध खींच लेती है। तो ये गवाले क्या करते हैं, टेंशन से बचने के लिए बच्चा तो फौरन बेच देते हैं, जो कि जायज नहीं है। जो जानवर अपने बच्चों से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उलमा ने लिखा है कि बचपन में आप उनको मां से अलग नहीं कर सकते, समझ में आ रही है बात, ये फतवा है। जो जानवर जैसे बकरी है, गाय है, भैंस है, बहुत ज्यादा ये पागलों की हद तक मोहब्बत करते हैं अपने बच्चों से, तो बिल्कुल ही बच्चा हो गया फौरन आपने उसको बेच दिया, ये दुरुस्त नहीं है। इससे माँ को, बच्चे को भी तकलीफ होती है, और माँ को भी कई दिनों तक चीखती रहती है वो। तो वो बच्चा बेच देते हैं, अब वो भैंस दूध उतारती नहीं है, तो क्या लगाते हैं आगे, इंजेक्शन। तो उस इंजेक्शन से नुकसान क्या होता है, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया उसके खिलाफ। वो इंजेक्शन जब भैंस के जाएगा तो उसके दूध में उसके असरात, बोलो भाई, आते हैं। फिर जब वो दूध आप पियेंगे तो आप में भी उसके असरात, तो आपके भी आसाब क्या हो जाएंगे, वो भैंस की ब्रेक फेल हो जाती है, वो जो दूध को खींचने की ताकत है ना वो खत्म, तो आपकी भी ब्रेकें क्या हो जाएंगी फेल, हर जगह आपकी ब्रेकें फेल। तो ये नुकसान हो रहा है, तो खुद जानवर पाल लो, ऑर्गेनिक चीजें खिलाओ उसको, उसका दूध निकालो और पियो, देखो कैसे लाल टमाटर हो जाओगे थोड़े दिनों में। ये जो खालिस दूध है ना, ताजा, बॉइल नहीं, दूध को जब उबाल लिया तो 35% मिनरल्स उसके क्या हो जाते हैं, जाया। उसी वक्त दूध निकाला और पी लिया, मेदे की तेजाबियत खत्म हो जाएगी, हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, 10 किस्म की बीमारियों का इलाज है। ये सिर्फ गिजा नहीं है, ये दवा भी है खालिस दूध जो है, तो कितना अच्छा दूध मिलेगा आपको। फिर आप उसी को घर में उबाल लो तो भलाई निकाल लो, क्या ख्याल है, फिर उसी को आप घुमाओ तो मक्खन निकाल लो, क्या भरोसा। ये जो मक्खन दुकानों से हम खरीद रहे हैं, याद रखो जो भी पैकिंग की चीजें आ रही हैं, मैंने एक बहुत बड़े डॉक्टर से सुना कि जिस चीज की भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है उसे मत खाओ, क्योंकि कंपनियां आपको सेहत देना नहीं चाहती, ये पैसा कमाने के लिए बनी है। आजकल डॉक्टर लोगों की सेहत का, सिवाय उन डॉक्टर को जो यहां बैठे हुए हैं, इतना ख्याल नहीं कर रहे, तो जो बयान सुन रहे हैं वो भी, तो कंपनियां कहां से ख्याल करेंगी। तो इसलिए घर में मुर्गियां पाल लो, अंडे ही अंडे, क्या ख्याल है, इतनी बरकत होती है इसमें, इतनी बरकत होती है। तो मेरा इरादा है किसी दिन मैं पूरी लाइव जो है ना वो चलाऊंगा, देखो सुबह सुबह आदमी उठ के कैसे मजा आता है, एक फिर इससे जहनी सुकून भी मिलता है इंसान। बाज नफ्सियाती डॉक्टर नफ्सियाती बीमारी का इलाज ये बताते हैं कि आप घर में बकरियां या मुर्गियां पालें,
کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے آپ پوچھ لیں کہ ان کو جو جن کا میرا دماغی توازن اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہے, مجھے کسی ڈاکٹر نے نہیں کہا, لیکن جن کا خراب ہو جاتا ہے نا اس کا ایک حل یہ بھی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے لائیو بیانات سننے کے لیے facebook.com/mufti-tariq-masood کو فالو اور لائک کرنا مت بھولیں, اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں. جزاک اللہ.